نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मोहतरम उस्ताज़े किराम और मेरे अजीज़ साथियों अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है रहमतुल्लिल आलमीन। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगी। किसी का नाम उज़्ज़ा था किसी को लात कहते थे, किसी का नाम उज़्ज़ा था किसी को लात कहते थे, वो गुलामी बड़े बुत को बुतों का बाप कहते थे। अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते, अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। महज जो भी बुराई थी वो उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आँखों में घर घर बेहयाई थी। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सदर अली वकार चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफ्ताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अकलों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, खजाने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसके जिसकी उंगली से सहराओं के चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसकी बरकत से सूखे हुए शतर सर शब्द शादाब हो जाते हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया रखता है, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसके पसीने इतहर में से खुशबू के खजाने फिजाओं को महकाते हैं, जिसकी गुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उमर को फारूक, उस्मान को गनी और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसके नज़दीक फातिमा खातून जन्नत और हुसैन को सैयद शहदा का दर्जा अदा करती है और खालिद बिन मलिक को सैफुल्ला का रुतबा अदा करती है। जब आए जमीन पर मोहम्मद हमारे, जब आए जमीन पर मोहम्मद हमारे, फलक ने जमीन पर बिछाए सितारे, उठे सरजमी से अरब के ये नारे, उठे सरजमी से अरब के ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मैं इस रहमतुल्लिल आलमीन की शान क्या बयान करूँ, मकाम महमूद जिसके इंतज़ार में है, शफात कुबरा जिसके इंतज़ार में है, जन्नत बन सवरकर जिसके इंतज़ार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खा कर भी दुआ करने वाला, वो अपने चचा अमीर हमजा के कातिल को माफ़ करने वाला, वो उतबा बिन उबै जैसे मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, मेरा रब जिसकी जुल्फों की कस्में उठाए और लैलीजा सजा, मेरा रब जिसके शहर में कस्में उठाए वो हादिल बलादिल अमीन, मेरा रब कभी उसे हबीब कहे कभी खलील कहे कभी मुदस्सिर कहे कभी मुजम्मिल कहे तो कभी यासीन कहे। हाँ हाँ सदर अली वकार उसी रहमतुल्लिल आलमीन को उसकी उम्मत के लिए दर्द में रोता हुआ देखती हूँ, पर अफसोस उसकी उम्मत तफरीकों में कटी हुई है, एक दूसरे के लिए दिलों में नफरत भरी हुई है। उस रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं। शुक्रिया।